आम आदमी पार्टी हाईकमान की तरफ से संजय सिंह राज्यसभा सांसद व सामाजिक कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी की कोर समिति के सदस्य पार्टी के गठन को मजबूत करने के लिए बिजनौर आए हुए थे। इसी दौरान एक निजी होटल में संजय ने अपने साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर योगी सरकार पर जमकर बरसी। योगी सरकार में बढ़ते क्राइम को लेकर संजय ने कहा कि यूपी सरकार खास तौर से मासूम बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित नजर आ रही है। साथ ही योगी सरकार बलिया में हुए कांड के बाद बीजेपी विधायक व बलात्कारियों को बचाने के चक्कर में एड़ी चोटी का जोर लगाने में तुली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं व मुझ पर भी सरकार आए दिन झूठे मुकदमे लगाने से बाज नहीं आ रही है। पूरे यूपी में आत्महत्या हो या फिर बलात्कार या लूट, थानों में FIR तक दर्ज नहीं होती। पीड़ितों को इंसाफ मिलना दूभर हो चला है। योगी सरकार में ऐसा कहना है आप पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह का। क्या मुद्दा है आपका, बिजनौर में आए हैं आप, क्या वजह है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपने संगठन के विस्तार में जुड़ी है और गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब में है, राजस्थान में है, बिहार है, उड़ीसा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने प्रमुखता से एक बड़ा केंद्र अपनी पार्टी का बनाते हुए मजबूत संगठन का निर्माण हर जिले में हम कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं, पिछला चुनाव जीते हैं, कुछ लोग लड़े हैं, प्रधान है, BDP है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, अपराधीकरण के, भ्रष्टाचार के, जातिवाद के, उन सारे सवालों पर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और आने वाले दिनों में हमें क्या भूमिका निभानी है उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज आदित्यनाथ जी के राज्य में जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना और न्याय नहीं मिलता उनको। हाथरस की गुड़िया के मामले में हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी सरकार इस बात पर लग गई कि बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए, पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो गई। पूरी की पूरी सरकार ने अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाई कि कैसे उसको बदनाम किया जाए, गुड़िया को बदनाम किया जाए, इस काम में लगी। तो मुझे लगता है कि एक के बाद अनेक घटनाएं हुई है उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ में एक बच्ची को 6 महीने तक तंग किया जाता है, न्याय नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेती। चित्रकूट में एक दलित की बेटी का गैंगरेप हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, उसकी हत्या हो जाती है। बलरामपुर का मामला हुआ, लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, जौनपुर का मामला हुआ, आजमगढ़ का मामला हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं, मिशन हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बेटियों के लिए आदित्यनाथ जी का राज कब्र का बन गया है, कब्र का।